राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो दो फैक्टर लिखने हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं फैक्टर्स। नंबर वन, देखो एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए किसी वायर का। तो यहां पर भी वैसे ही फैक्टर्स है। एक तो रो है, इसका मतलब है नेचर ऑफ मेटीरियल। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एनोड या कैथोड बोल दो। तो उनके बीच में जो मेटेरियल फिल्ड है इलेक्ट्रोलाइट, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। सो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर वायर है तो उसके मेटेरियल पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा फैक्टर, जो इलेक्ट्रोड्स है पॉजिटिव या निगेटिव, उनके सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं, रो एल बाई ए। अगर ए इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ऐसे यहां जैसे वो वायर के लिए, ऐसे यहां पर। तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स फिर जैसे वायर की लेंथ होती है, तो यहां पर हो जाएगी डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की। सो सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। टेम्परेचर भी पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो दो फैक्टर है कोई भी जो आपका बना रहे। नेक्स्ट, द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वाला मतलब आइडियल आप कंसीडर कर सकते हो इसको। व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। अगर एक सेल को कनेक्ट किया, जैसे स्विच ओपन है, केवल सेल को कनेक्ट किया, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है, अगर आइडियल वोल्टमीटर है, तो क्या रीडिंग देता है, ईएमएफ की। सो इस सेल का ईएमएफ दिया गया 2.2 वोल्ट, इनडायरेक्टली बोल दिया। अगर किसी सेल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले, सेल के अक्रॉस ओपन सर्किट है, या फिर ऐसा वोल्टमीटर लगाओ जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। आइडियल केस में आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो सर्किट में करंट कितनी, जीरो। तो जो सेल है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, दैट मींस ओपन सर्किट वोल्टेज ही बोल सकते हैं। सो जो ईएमएफ है वो दिया गया 2.2 वोल्ट, ठीक है। When the terminals of the cell are also connected to a resistance of 5 ohm, जब इस cell के terminals resistance 5 ohm से connect कर दे, मतलब इस switch को कर दिया close, तो 5 ohm भी आ गए circuit में, as shown in circuit। अब इस cell के across voltage जो होगी वो E नहीं रहेगी, क्योंकि circuit में current flow करेगी, मतलब इस cell में current flow करेगी, cell होगा discharging। discharging के केस में cell के across voltage EMF से कम, so E minus IR हो जाएगी। देन द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, 1.8, और ये किसके इक्वल, E माइनस आई आर। अगर सेल डिस्चार्जिंग है तो E माइनस आई आर होती है वोल्टेज, ईएमएफ से कम। अगर करंट जीरो तो E किसके इक्वल, मतलब वोल्टेज किसके इक्वल, E के इक्वल, वही दे रखा है यहाँ पर। और इसी को लिख सकते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस, मतलब आई इंटू फाइव। तो पहले यहां से आई निकाल लेते, फिर ई की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर आ जाएगा। तो इन दोनों का यूज करो, सो आई इक्वल टू 1.8/5। फिर इन दोनों का यूज करेंगे, सो 1.8 इज इक्वल टू, ई कितना है 2.2, माइनस आई कितना है 1.8/5, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना, इसको इधर ले आएंगे, 1.8/5 इंटू आर इक्वल टू 2.2 माइनस 1.8, ये 0.4। So, R इक्वल टू 5 इंटू 0.4/1.8, इससे ये कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल जीरो हो गया, तो 20/18, दैट मींस 10/9।